हरदोई के प्रताप विक्रम सिंह केले की खेती करते हैं। वह बताते हैं कि हरदोई के बाहर कई ऐसे जिले हैं जिनमें केले की खेती की जा रही है और वह जब भी इन जनपदों में जाते थे तो इस खेती के बारे में जानकारी जुटाते थे। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2017 में केले की पौध लगाने का फैसला किया और केले की खेती की शुरुआत कर दी। इससे पहले वह गेहूं, गन्ना, धान आदि की खेती किया करते थे। हरदोई के सदई भेटा के रहने वाले प्रताप विक्रम सिंह का कहना है कि वह इस केले की फसल को उगाने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव से पौधे मंगाते हैं और पौधे इनके खेत तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें 19 रुपए प्रति पौधा देना पड़ता है। यह फसल 13 माह में पककर तैयार हो जाती है। प्रताप विक्रम सिंह बताते हैं कि इस केले की फसल की बिक्री उनके खेत से ही हो जाती है। दिल्ली के व्यापारी आकर इनकी फसल खरीद कर ले जाते हैं। वहीं प्रताप विक्रम सिंह ने बताया कि 14 एकड़ यानी कि 70 बीघे के खेत में केले की फसल को उगा रखा है और अभी वर्तमान में इनकी 6 एकड़ की फसल तैयार है जिसे यह दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं और जिससे यह लगभग 15 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। बाकी 8 एकड़ की पौध अभी तैयार होने में समय है। ये केले की खेती आप कब से कर रहे हैं और क्या ऐसी वजह रही कि आप ये केले की खेती अपनाए? मैं प्रताप विक्रम सिंह, गांव मेरा बेटा सदई है। मैं ये 2017 से शुरुआत किया। मैंने बाराबंकी गया, सीतापुर गया, लखीमपुर गया, बहराइच गया, देखा कि लोग इससे अच्छी उत्पादन ले रहे हैं, इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो मैंने भी ये 4 एकड़ से शुरुआत की थी 2017 में। और आज मैं इसको लेकर के लगभग 12 एकड़ तक कर चुका हूँ। इस समय भी मेरे पास 6 एकड़ में मौजूद है, तैयार, कटिंग चल रही है। इस नया जो लगाया है वो 8 एकड़ में लगा दिया है, लगभग 10,000 पौधा, और इसका बेनिफिट तो अच्छा है ही अन्य खेतियों की तुलना में। अच्छा, कितने दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है और किस तरह से इसको तैयार करते हैं? ये महाराष्ट्र से पौधा मंगाते हैं, वो होम डिलीवरी करके पहुँचा देते हैं और फिर तैयार करते हैं। इसको 13 महीने लग जाता है। रेटून लेते नहीं, रेटून में थोड़ा बीमारी ज़्यादा आती है। और वैसे इनकम की बात करी जाए तो ये कच्ची फसल है, इसका रेट तो कहिए 10 रुपये रह जाए, कहिए अभी साल रेट 17-18 तक चला गया, हो सकता है अभी और बढ़ जाए। कहाँ से ये पौधे मंगाते हैं और कितने रुपए कीमत के यहाँ तक पड़ जाते हैं? मैं जैन इरीगेशन कंपनी जलगांव महाराष्ट्र से मंगाता हूँ। ये मुझे होम डिलीवरी सहित 19 रुपये पर प्लांट पहुँचा देते हैं। अच्छा, उसके बाद इनको जो पौधरोपण करना होता है उसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? पौधरोपण के समय तो अपना ट्राइकोडर्मा है, इससे सब करके भूमि शोधन कर लेते हैं, उसके बाद गड्ढे खोद के पौधे लगा देते हैं। अच्छा, क्या है कि लोग ज़्यादातर पारंपरिक खेती जैसे गेहूं, गन्ना, धान की करते हैं, लेकिन आपने इसको चुना? ये मैं बाहर गया, मैंने देखा कि इसके अपेक्षा अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें आमदनी थोड़ी ज़्यादा है। रेट के ऊपर निर्भर करता है, जैसे इस साल तो 17-18 चला गया और संभवतः पिछले साल 9-10 रहा था, संभवतः हो सकता है और भी बढ़े, रेट इस साल रेट बढ़ रहा है। अच्छा, अगर अनुमानित आय की बात की जाए तो वार्षिक आय इससे आप कितनी कर लेते हैं? रेट पर है डिपेंड। जैसे मान लीजिए एक पौधा आपका 20 ही किलो हो जाए, 25 एवरेज हमारा 25 से 27 आ जाता है, और अगर 15 एक पौधा अगर आपको 300 रुपये ही छोड़ देता है, एक बीघे में 250 पौधा लगता है, 250 पौधे के हिसाब से अगर 300 रुपये निकालेंगे तो 75,000 रुपये का बीघा हो गया और 25,000 रुपये इसमें से खर्चा निकाल दीजिए, 50,000 रुपये की बचत। कितने बीघे आपने कर रखा है? मैंने ये 30 बीघे में कर रखा है जी। कितने एकड़ में आपने ये खेती कर रखी? अब गत वर्ष हमारा जो लगा था वो 6 एकड़ में था और इस साल मैंने लगाया है 8 एकड़ में लगाया है। अच्छा, ये जो फसल है कटने के बाद कहाँ सप्लाई करते हैं आप? ये मैं तो दिल्ली भेजता हूँ, व्यापारी आ जाता है ले जाता है, और कुछ लोग यहाँ प्लांट पर बेच देते हैं, कुछ लोग मंडी में बेच देते हैं, हरदोई में कुछ चैम्बर लगे हुए हैं 3-4, उसमें बेच देते हैं। क्या किसी प्रकार का सरकारी अनुदान या सरकारी? सरकारी अनुदान है इस पर, 1 हेक्टेयर पर 30,700 कुछ रुपये का अनुदान भी है जो उद्यान विभाग देता है।